राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा मेरा, जहाँ पे हमने ख़त्म किया था और हम लोगों ने पूरा वृंदावन घूमा, बहुत अच्छे से दर्शन किए। और हम अभी जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। वो कहाँ है आना? बरसाने जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए राधा रानी जी के, और वहाँ पे जाने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, क्योंकि हम लोग आज पूरा दिन घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं, दर्शन करते, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते। और ये ऑटो भी बुक कर लिया ये भाई लोगों ने, और यहाँ से 30 किलोमीटर है शायद, 30 किलोमीटर है, और करीब करीब 1 या 1.25 घंटे में पहुँचेंगे हम। तो यहाँ से निकल रहे हैं, और हमारे भाई जो है एक ब्लॉग बनाने में व्यस्त है, तो हम अंदर जाके बैठ रहे हैं। तो देखो कैसे बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, एक के ऊपर एक बैठे और एक ही ऑटो बुक करके जा रहे हैं हम। और कहा जाता है कि 100 में से सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको वृंदावन आके बरसाने जाने का मौका मिलता है, और भाग्य की बात यह है कि हम भी उनमें से एक थे। गाइज हम फाइनली पहुंच गए, 1.5 घंटे की डिस्टेंस कवर करके बरसाने पहुंच गए, और बहुत टाइम लगा था, मुझे लगा था कि बहुत पास है वृंदावन से, बट बहुत दूर लग रहा है वहां से। ऑटो से आ रहे तो इसलिए और थक गया, और हम सारा दिन घूम रहे थे आज, और हम पहुंच के फिलहाल जा रहे हैं चाय पी के, और फिर मंदिर में दर्शन करेंगे, और फिर हमें वापस जाना है वृंदावन। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए थे 1.5 घंटे के डिस्टेंस कवर करके बरसाने, और बरसाने पहुंचते ही हमने अपने दोस्तों के साथ चाय पी, और चाय पी के हम सीधा निकल गए थे राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है दोस्तों, प्रणाम करके यहाँ से चढ़ रहे। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे, बहुत मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करे, थोड़े से ऊपर जाके हम सब ने टीका लगाया, और फिर हम मंदिर की तरफ निकल पड़े। और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने टीका लगा लिया है। इतना सुंदर दोस्तों भीड़ है यहाँ पे, नीचे नहीं दिख रहा था बट ऊपर भीड़ है, काफी भीड़ है ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे आके हमें एक अलग ही खुशी और एक अलग ही अनुभव हो रहा था, जो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जा रहे हैं, वो पीछे कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के अंदर पहुंचे थे, कुछ इस प्रकार दिखा हमें, सब लोग होली खेले थे और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हमारा किस्मत तो देखो, हम लोग भी उसी दिन पहुंचे थे जिस दिन बरसाने और वृंदावन का पहला होली खेला जा रहा था, और थोड़ी देर बाद हम भी निकल गए होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस भीड़ में। गाइस हमने
बरसाने का पहला होली जो हमने पहला होली हमने देखा यहाँ पे, इतना बढ़िया हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, लोग इतने खुश है यहाँ पे होली से। भी ट्राई करेंगे होली खेलने का, थोड़ा बहुत रंग लगा के जरूर जाएंगे यहाँ से, और बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत। दोस्तों हम यहाँ पे आके हमने होली भी खेला और इतना भीड़ था, उसके बीच में हम जाके प्रसाद भी लिया और अच्छे से दर्शन भी करा, ऐसा लग रहा धन्य हो गए। और इतना सही मैं बता नहीं सकता, इतना खुश हूँ। और हम सबने अच्छे से दर्शन किया, जितने भी हम आए थे सबने अच्छे से दर्शन किया, और नीचे अभी भी इतना भीड़ है दर्शन करने के लिए, हर कोई कर नहीं पाते दर्शन यहाँ पे आके, तो थैंक गॉड हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। दोस्तों हमने यहाँ से बहुत अच्छे से होली खेला और दर्शन की राधा रानी की, और हम यहाँ से निकल रहे क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं और हमें पहुँचना अभी भी वृंदावन, और वो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा हमें जाने में, रात हो चुकी है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यही तक था हमारा, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और हमारे साथ साथ आप भी दर्शन किए हो। ऐसे हम दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए बहुत अच्छे से, हमने होली भी खेल लिया, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला दिल को। और हमने सोचा कि यहाँ पे आए तो बरसाने का लस्सी पीना मतलब मिस नहीं करना है, हम यहाँ पे लस्सी पी के और फिर हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।